अपलोड किया था और उसके अंदर काफी अच्छे रिव्यूज आए हमको. बच्चे कह रहे कि हमें सेकेंड चैप्टर भी चाहिए, तो हम सेकेंड चैप्टर भी ला रहे हैं. पर सारे वीडियोज यूट्यूब पे फ्री अपलोड नहीं होंगे, फ्री वीडियोज आपको मिलेंगे पर हमारे ऐप पे. सो दिस इज एएशाज लर्निंग ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर. सो यहाँ से आप वीडियोज अपलोड कर वीडियोज भी देख सकते हो और टेस्ट भी सारे अटेम्प्ट कर सकते हो. तो आपके क्लास स्पेसिफिक टेस्ट भी हम देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म भर के लॉग इन डिटेल्स हमसे लेनी होगी. दिस इज कम्प्लीटली फ्री, आपको इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना है. ऐप आप यूज कर सकते हैं हमारा फ्रीली. तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ट्यूशन सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट राइट कोर्स सिलेक्ट करना है. हम काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो यू सिलेक्ट ट्यूशन एंड यू फिल अप दिस फॉर्म, मेंशन योर स्टैंडर्ड एंड द बोर्ड इन द मैसेज सेक्शन. और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म एक बार आप हमें भेज देंगे तो आपको हम लॉग इन डिटेल्स दे देंगे एंड दीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू. तो लॉग इन आई डी पासवर्ड आपको मैसेज आ जाएगा. आप वो लॉग इन आई डी पासवर्ड यूज करके जब लॉग इन करोगे तो हमारा ऐप ऐसे दिखेगा. सो विदाउट लॉग इन आपको ये नहीं दिखेगा. वंस यू गेट द लॉग इन डिटेल्स, कम्प्लीटली फ्री. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन जो है, यहाँ पे इन वीडियोज में आप सारे वीडियोज हम जो अपलोड करते हैं आपके क्लास स्पेसिफिक आपको दिए जाएंगे. तो जो आप मैसेज में अपना क्लास लिखोगे, स्टैंडर्ड 8 अगर आप लिख के भेजोगे तो हमको आपको स्टैंडर्ड 8 के सारे वीडियोज और सारे टेस्ट देंगे. तो वीडियो लाइब्रेरी में आपको सारे वीडियोज दिखेंगे चैप्टर्स के एंड टेस्ट सेक्शन में आपको फ्री टेस्ट भी दिखेंगे. तो काफी सारा फ्री मटेरियल है ऐप पे जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अब हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, हेल्थ एंड डिजीजेस. सबसे पहला सवाल जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो है कैन यू रिकॉल. तो कैन यू रिकॉल पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर टेकन लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस. अब ये तो हम सब ने लिया है, वी टेक लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस. तो ये जब हम लेते हैं क्या होता है, हम सिक है, हम बीमार है कहते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक. तो एक्चुअली जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया है, एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है ना. तो ये जो है इससे हमारी पैथोजेंस होते हैं, तो ये हमारी बॉडी इससे फाइट करने की कोशिश करती है. तो हमारी बॉडी में सोल्जर्स है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज होते हैं, सोल्जर्स है जो इनसे फाइट करते. सो आवर बॉडी फाइट्स विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट ट्राइज टू किल देम. पर अगर वो नहीं हो पाता, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो फिर हम अपने आप तो ठीक नहीं होते, हमको दवाई लेनी पड़ती है. लेकिन कभी कभी आप देखते हैं आप बीमार होते हो लेकिन 2-3 दिन सर्दी खांसी कुछ रहती है और फिर ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन. तो जनरली वायरल इन्फेक्शन में भी ऐसे कई बार होता है, थोड़े वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं. सो समटाइम्स यू फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस. तो हमारा सवाल है कि ऐसा क्यों है, Why is it so? तो इसका जवाब हम ऐसे देंगे. ये देखो, ये जो है ना हमारा, ये नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है हमारा. मतलब हमें कहीं चोट भी लगती है, जब हमें चोट लग जाती है तो एक बैरियर बन जाता है हमारी बॉडी में, वहां पे एक आप देखते हैं ना खून जम जाता है. तो इट डज नॉट अलाउ एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स टू एंटर अ बॉडी. तो हमारी बॉडी इतनी वेल डेवलप्ड है, जो हमें ईश्वर ने बॉडी दी है, दिस इज इटसेल्फ फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स. तो वो ऑर्गेनिजम्स आने नहीं देते, लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स आ भी जाते तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है जो उनसे फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो सम ऑफ द इम्यून सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट टेल अदर इम्यून सेल्स अबाउट द इन्वेडर टू. तो बाकी लोग को भी अलर्ट करते हैं, बाकी एंटीजन को भी अलर्ट किया जाता है और वो भी फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं. तो हमारी बॉडी इसके लिए रेडी रहती है. तो ये नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, तो कभी कभी अपने आप भी हील हो जाता है. हमें चोट भी लगती है तो अपने आप हील हो जाती है ना, कोई छोटी खरोच कुछ लगती है तो. दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी नीड टू नो कि हेल्थ क्या है. तो हमारा चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हमें हेल्थ का डेफिनेशन आना चाहिए. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब अगर हम कहना चाहते हैं कि हम हेल्दी है, तो हमें सिर्फ हेल्दी फिजिकली नहीं रहना है, मेंटली एंड सोशली भी रहना है. तो ये हमारी टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. वेलबींगनेस नहीं आएगा, दैट्स नॉट द राइट वे टू से वेलबींग, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, है ना. सो दिस इज अ डेफिनेशन, ये हमें याद रखना है हेल्थ. तो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, फिजिकल मेंटल सोशल. मतलब फिजिकली हेल्दी रहना मतलब बॉडी हेल्दी रहना, हमें कहीं पेन तकलीफ नहीं है कुछ भी इंटरनली एक्सटर्नली हमारी बॉडी में. मेंटल मतलब मेंटल स्टेट,
मतलब हम मेंटली हेल्थी होने चाहिए, मतलब कि हमारे दिमाग में जो सोच आ रही है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमें कोई टेंशन डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं हो, तो ये सब भी हेल्थ का हिस्सा है। सो मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, एंड सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते कैसे, अच्छे से ग्रीट करते, बात करते, हमारे सोशल रिलेशंस कैसे, हम है ना किसी झगड़ा करते रहते, गुस्सा करते रहते, ऐसा हमारा सोशल हेल्थ है कि हम सोशली भी हेल्दी है ना, एक दूसरे से मिलजुल के खुशी से रहते। सो ऑल थ्री एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाट हेल्थ इज ऑल अबाउट। सो दीज आर द थ्री वर्ड्स यू शुड रिमेम्बर, हेल्थ इज अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है ना। हम सोशल मीडिया भी बात करते हैं तो सोशल मतलब हम एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, साथ में रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी रिलेटेड। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ डिजीज। तो ये सब हमारी टेक्स्ट बुक में ही मेंशन है, आप देख सकते हैं। देखिए तो आफ्टर हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजीज। तो डिजीज का डेफिनेशन क्या है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज। ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अगर डिजीज है, मतलब क्या है, मतलब कि हम बीमार है, कोई बीमारी है, डिजीज है, तो वो क्या है, डिजीज का डेफिनेशन लिखेंगे कि वही, अगर हम फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का वापस मतलब हो गया फिजिकल, और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल, तो अगर कोई भी डिस्टरबेंस है फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारी बॉडी में, तो उसे हम डिजीज कहेंगे। हेल्थ मतलब कि हम इन तीनों तरीके से हेल्दी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, और डिजीज मतलब ये या तो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई बीमारी है तो उसे डिजीज कहते हैं, तो डिस्टर्बेंस हो गया हमारी इस प्रोसेस में तो उसे डिजीज कहेंगे हम। नेक्स्ट हम जाएंगे अब आगे कि ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। तो अब ये सिम्टम का मतलब क्या होता है, सिम्टम वर्ड का मतलब पता होना जरूरी है। सिम्टम मतलब कि क्या, कि कोई भी लक्षण, जैसे हर एक बीमारी होती है तो जैसे हमको सर्दी खांसी हो जाती है तो हमें छींके आती है, हमारा गला खराब हो जाता है, हमें है ना खांसी आती है, या नाक बहता है, थोड़ा बुखार होता है, आंख से पानी निकल रहा है, तो ये सब जो चीजें, हमको कोई बीमारी होगी तो हर एक बीमारी अपने सिम्टम लक्षण छोड़ के जाती है, तो वो लक्षण होते हैं हमारे इसमें, तो हमें पता चलता है ना कि हम बीमार है, तो ये उसको सिम्टम्स कहते हैं। मतलब स्नीजिंग, स्नीजिंग इज नॉट अ डिजीज, बट बिकॉज ऑफ डिजीज यू विल गेट स्नीजिंग, सो दैट इज कॉल्ड सिम्टम। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस, देखो हमारा पूरा ये चार्ट टेबल है, ये हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस में पहले, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे डिजीजेस को, एज किस तरह से क्लासिफाई करना है, मतलब अगर हमें टाइम के हिसाब से डिजीजेस को क्लासिफाई करना है कि कौन सी बीमारी कितनी लंबी चलती है, तो उस हिसाब से दो बीमारियां, दो तरीके की बीमारियां हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि वो हमेशा रहेगी, मतलब आपको वो एक बार बीमारी हो गई तो आप उसको, वो बीमारी आपकी कम ज्यादा होते रहेगी पर आपको वो बीमारी रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज कम ज्यादा होते रहता है पर वो डायबिटीज रहती है, सो दैट इज डायबिटीज। एंड समटाइम्स यू हैव हेरिडिटरी डिजीजेस, जब पैदाइश से आपको है, जैसे डाउन सिंड्रोम तो पैदाइश से होता है, तो वो डाउन सिंड्रोम फिर हमेशा के लिए रहेगा, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, तो वो जाने वाला नहीं है। एड्स अगेन, तो अगर एचआईवी पॉजिटिव होते तो वो एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में रहता ही, कम्प्लीटली खत्म नहीं होता, सो दैट इज ऑल्सो क्रॉनिक डिजीज। कैंसर अगेन इज अ क्रॉनिक डिजीज, इट इज क्योर्ड बट इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड, तो ऐसे, तो दीज आर क्रॉनिक डिजीजेस। अक्यूट डिजीजेस मतलब के अक्यूट इन द सेंस के जैसे कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, तो ये आपको कॉमन कोल्ड होगा, थोड़ा टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, डेंगू आपको हुआ, ट्रीटमेंट करोगे, ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, कभी था, अभी कुछ नहीं है, बॉडी में भी आपके उसके रिलेटेड कुछ नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एन अक्यूट डिजीज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस एंड अक्यूट डिजीजेस, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ये कितना चलती है, तो ये अंडरस्टैंड करने दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रीजन मतलब के किस वजह से हुई, कि आपको आपके अंदर पैदाइश से थी तो उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, मतलब पैदाइश से आपको थी, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा क्रॉनिक डिजीजेस डाउन सिंड्रोम है, तो वो डाउन सिंड्रोम पैदाइश से भी है और ये आपको हेरिडिटरी में भी आएगा ना यहाँ पे, वो है। और अक्वायर्ड डिजीज मतलब आपको बाद में हुई है, पैदाइशी आपको ये डिजीज नहीं है लेकिन आपको अक्वायर किए, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सब अक्वायर्ड डिजीजेज है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से आपको ये बीमारी हो जाती है। लेकिन अक्वायर्ड डिजीजेस इन्फेक्शियस नहीं भी हो सकती, इन्फेक्शन जो होता है जैसे कॉमन कोल्ड आपको हुआ, आप किसी घर में किसी को हुआ, फ्रेंड को हुआ, आपको भी हो सकता है ना, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसा, डायबिटीज एक कोई तो आपके बाजू में कोई बैठा है तो उसको भी डायबिटीज नहीं हो जाता,
सो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज एक्सेट्रा. सो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, ये याद रखना है. इसके बाद हमारी बुक में कैन यू टेल के क्वेश्चन है. तो अब ये कैन यू टेल के क्वेश्चन हम देख लेंगे. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड. सो वी हैव सम डिजीजेस मेंशन्ड लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्केबीज, टीबी, डेंगू, डिसेंट्री, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू. हम हर एक डिजीज को अच्छे से देखेंगे. तो हमारे बुक में भी जो टेबल है, जो डिजीजेस ऑलरेडी दिया हुआ है उनके बारे में भी सीखेंगे और ये सारी डिजीजेस के बारे में भी हम देखेंगे. सो वी विल कवर दिस. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ा आंसर है, इसको तो हम हर एक डिजीज को डिटेल में अब देखने वाले हैं. सेकेंड इज वॉट डू यू मीन बाय पैथोजन एंड थर्ड इज वॉट यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीजेज. तो अब हम ये दो टर्म्स देख लेते हैं. सबसे पहले पैथोजन. पैथोजन क्या होता है? सो पैथोजन इज अ बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे हमने देखा ना शुरू में डिजीज के बारे में जब हमने बात की, तो डिजीज मतलब हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल डिजीज हुई है, तो कोई बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसा है. तो उस स्पेसिफिक चीज जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है, बीमारी हो रही है, उसको पैथोजन कहते हैं. तो पैथोजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है. बैक्टीरियम वर्ड मतलब सिंगुलर, बैक्टीरियम इज सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज प्लूरल. पैथोजन इज अ बैक्टीरियम, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज अ डिजीज. तो ये पैथोजन का डेफिनेशन है. जो हमारा सवाल है उसका आंसर है ये आपको याद रखना है. सेकेंड, वॉट इज इन्फेक्शियस डिजीज, उसका आंसर क्या आएगा? डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टेमिनेटेड एयर, वॉटर, फूड और वेक्टर्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस. जैसे हमने देखा नॉन इन्फेक्शियस जैसे डायबिटीज वगैरह है, तो अगर किसी एक को तो आपको भी नहीं हो जाएगा वो, कुछ आपको डायबिटीज जो है वो ऐसे एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता. लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप हवा से वो सर्दी खांसी और किसी को भी लग जाती है. हमने देखा कोरोना वायरस भी एक को है तो वो किसी और को भी लग सकता है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी होता है. सो इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज. सो इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, पानी से स्प्रेड हो सकता है, हवा से स्प्रेड हो सकता है, खाना कंटेमिनेटेड खाना है तो उससे हम वो खाना खा लेंगे तो उससे हो सकता है, या कोई कोई डिजीजेस होते हैं जो वेक्टर्स की वजह से होती है. वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स मतलब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी एनिमल. जैसे कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है तो मच्छर इज नॉट द पैथोजन. पैथोजन मच्छर के अंदर है, तो मच्छर के जब हमें काटता है तो वो पैथोजन हमारे ब्लड में आ जाता है. That pathogen जो होता है वो हमें डिजीज कॉज करता है. मच्छर तो सिर्फ एक वेक्टर है, एक जरिया है, रूट थ्रू विच वी गेट इन्फेक्टेड. सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. दे कैन बी इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स ऑल्सो, कभी चूहों की वजह से हो जाता है. तो ये सब जो है डिजीजेस, प्लेग जो होता है दैट इज स्प्रेड थ्रू रैट, माउस, बट वो रैट इज जस्ट अ कैरियर. तो ऐसे इनको वेक्टर्स बोलते हैं. सो ऐसे डिजीजेस को जो स्प्रेड होते हैं इन चारों में से किसी भी तरीके से, एयर से, वाटर से, फूड से या वेक्टर्स से, उनको इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं. तो इन सवालों के बाद यहाँ पे एक फोटो भी है, इसको भी हम देख लेंगे. इन्फेक्शन थ्रू स्पूटम. तो स्पूटम क्या होता है वो भी हम देखेंगे डिटेल में. तो आप देख सकते हैं ये दिस इज अ पर्सन. नाउ इन्होंने अगर खांसा या छींका तो क्या होगा? स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हो गए वो हवा में ही रह जाएंगे, ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे. नो, ग्रेविटी की वजह से जो हैवी ड्रॉपलेट्स है वो नीचे आएंगे. तो लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स, इमीडिएटली हैवी ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगे. जो हल्का फुल्का रहता है वो वहीं पे पानी में, पानी जैसा, वो उधर ही रह जाता है. स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज, इवन वेपर बन जाते हो, लिक्विड से वेपर बन जाते हैं और मिस्ट में, हवा में ही रहते. तो मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स. तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स और डेंजरस है, वो हवा में रहते हैं और लोगों को बीमार करेंगे. और लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं. तो दिस इज हाउ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन स्प्रेड्स टू द अदर. तो ये हमारे मुंह से जब हम बात कर रहे हैं, खांस रहे, छींक रहे, तो ये स्प्रेड होता है. सो दिस इज स्पूटम. व्हाट इज स्पूटम? जो हमारे मुंह से निकलता है. तो मुंह से क्या निकलता है? जो कफिंग में जो हमें निकलता है ना, बलगम वगैरह जैसे कहते हैं हम, तो दैट इज स्पूटम, है ना. सो टेस्ट करने के लिए भी जैसे स्पूटम टेस्ट किया जाता है, कि स्पूटम जो हमारे मुंह में जो है लिक्विड, उसका सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है. तो स्पूटम जो होता है ना, सलाइवा नहीं, जो हमारे मुंह में पानी आता है, खाना खाते पानी इन जनरल रहता है, वो सलाइवा है. सलाइवा तो पानी की तरह थिन वाटरी है. स्पूटम मतलब जो हमारे हलक में, गले में पीछे होता है, जो हमें जब सर्दी खांसी होती है तो हरा बलगम जिसे कहते हैं, हरा निकलता है, या इन जनरल भी जो निकलता है तो थिक और स्टिकी रहता है. सो दैट इज कॉल्ड स्पूटम. सो दैट इज डेंजरस एंड दैट स्प्रेड्स डिजीजेस. अब आती है हमारी डिजीजेस की बारी. सो सबसे पहले डिजीज जो हम देखने वाले हैं वो है टीबी, बिकॉज इन अ बुक ऑल्सो इफ यू सी, ये देखिए अब नेक्स्ट पेज पे जो है हमारा, पेज 7 पे ये पूरा टेबल है.
इन्फेक्शियस डिजीजेस से हम शुरू करेंगे पहले पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस देखेंगे, फिर नॉन इन्फेक्शियस। और काफी सारी इन्फेक्शियस डिजीजे, चैप्टर बड़ा है तो हमें डिटेल में देखना है इन सबको। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज का डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया, डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स लाइक दैट इज इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हम सीखेंगे, सबसे पहले टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अब हर एक डिजीज में हमें इवन चार चीजें याद रखनी है। पहली है पैथोजन, कौन सा पैथोजन है। पैथोजन हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा कि कोई भी जो डिजीज कॉज करता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे टीबी में बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस में वायरस है, डिसेंट्री बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, अमीबा की वजह से भी हो सकता है। तो दैट इज द पैथोजन। सो फॉर ईच डिजीज वी लर्न द पैथोजन। देन सेकेंड, फॉर ईच डिजीज उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन कैसे होता है, एयर से होता है, पानी से होता है, फूड से होता है कि कोई वेक्टर की वजह से होता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स, मतलब अगर ये बीमारी होगी तो आपको क्या लक्षण होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे। एंड लास्टली इसका प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये डिजीज ना हो, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हो गई तो ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो ये हमारे चार मेन कॉलम्स है, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का हमें सबसे पहले पैथोजन पता होना चाहिए, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलर। सो दिस इज द पैथोजन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कोई भी अगर पेशेंट जो इन्फेक्टेड है अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो ये जो बैक्टीरिया है वो इस पेशेंट के थ्रू दूसरे हेल्दी पेशेंट में भी जा सकता है और वो बीमार हो सकता है, उसे भी टीबी हो सकता है। सो दिस इज द वे दिस इन्फेक्शियस डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले इसके सिम्टम्स याद रखने, चार सिम्टम्स लिखे हैं हमारे टेबल में, हमें ये चारों सिम्टम्स याद रखने हैं। सबसे पहले टीबी जो है लंग्स को मेनली अफेक्ट करती है, तो लंग्स में ये सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्लडी स्पिटिंग होता है और कफ होता है, मतलब हमें खांसी होती है, लंग्स जो है खांसी होती है, एकदम क्रॉनिक कफ, मतलब एकदम ना रुकने वाली खांसी होती रहेगी, ऐसी खांसी बहुत बुरी खांसी होती है। और स्पिटिंग मतलब घास में खांसने से ऐसे हमारे मुंह से खून निकल सकता है, तो ये उसके सिम्टम है टीबी के। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि लंग से रिलेटेड है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। और इमेसिएशन हो जाते हैं, जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनका बहुत वेट लॉस हो जाता है, वो बहुत पतले हो जाते हैं, इमेसिएशन मतलब काफी वेट लॉस हो जाए, तो उसे इमेसिएटेड कहते हैं। तो इमेसिएशन इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ टीबी। तो ये चार सिम्टम्स हमें याद रखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते, ये देखिए आपकी बुक में लिखा है ट्यूबरक्लोसिस, पैथोजन हमें याद रखना है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन हमने जो चार चीजें सीखे देखे, सॉरी मोड ऑफ इन्फेक्शन में हमने देखा कि इन्फेक्ट कैसे होता है, जब पेशेंट खांसता है या छींकता है, स्पिटिंग बाय पेशेंट, तो एयर के थ्रू ये जा सकता है, या अगर हम वो पेशेंट के साथ लंबे समय तक उसके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उसके साथ चीजें शेयर करेंगे तो हमें भी टीबी हो सकता है। सो दैट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स हमने देखे चार सिम्टम्स, क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, इमेसिएशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। तो ये चार सिम्टम्स हमें याद रखने। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट टीबी का क्या है, टीबी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन का तरीका है इसका वैक्सीन लेना, और टीबी का वैक्सीन तो एकदम इमीजिएटली आफ्टर बर्थ 5 दिन में दिया जाता है, BCG वैक्सीन होता है, तो हर एक बच्चे को ये दिया जाता है, ये यहाँ पे मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगी। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कि अगर कोई टीबी वाला पेशेंट है उसको अलग रखना है, उसके कांटेक्ट में और लोग ना आए ताकि उनको भी टीबी ना हो जाए, तो ये एक प्रिवेंटिव तरीका है। रेगुलर मेडिकेशन लेना है, टीबी की दवाई सही से लेनी है ताकि हम उसे ट्रीट कर सके। तो दवाई है डॉट्स, तो ये एक प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का टीबी के लिए, ये क्या है डॉट वो भी हम देखेंगे और BCG भी हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए BCG वैक्सीन आपने देखा होगा, बच्चे जब हॉस्पिटल में होते हैं तो 5 दिन के अंदर ही ये इनको वैक्सीन लगाई जाती है, ये आपके फोर आर्म पे, यहाँ पे आपके फोर आर्म पे ये इसका ना एक निशान रह जाता है, तो ये निशान हर एक बच्चे को भी होता है, एडल्ट्स को भी होता है। सो ये BCG वैक्सीन का निशान होता है। BCG स्टैंड्स फॉर बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, तो ये वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन, इट्स अ वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये वैक्सीन क्या होता है, हर एक वैक्सीन जो होती है वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसका ही एक अधमरा सा हिस्सा जो है उसको वैक्सीन की तरह हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है, ताकत किसके पास है फाइट करने के लिए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, हमारे बॉडी में सोल्जर्स है ना। तो ये सोल्जर्स को एक्चुअली ट्रेन किया जाता है कि ये ना एक डमी की तरह हम छोटा सा एक दे रहे हैं उनको, ये जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, कि इससे फाइट करो, तो हम उनको एक्चुअल बिनाइन इन्फेक्शन, मतलब कि हल्का फुल्का
तो मैलिग्नेंट और बिनाइन दो टर्म्स होते हैं। बिनाइन मतलब कि हमारी हमारे बॉडी को कोई खतरा नहीं, उसे बिनाइन इन्फेक्शन है, तो वो बिनाइन इन्फेक्शन दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज को ट्रेनिंग मिले ऐसे बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, ताकि जब आगे चल के जब पूरा वायरस एक्चुअल हमें अटैक करे टीबी का, तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। सो दैट इज द बीसीजी वैक्सीन। हर एक वैक्सीन ऐसे ही होता है, इवन कोरोना वैक्सीन जो भी आप बोलो, वैक्सीन का फंक्शन ऐसे ही होता है। और ट्रीटमेंट में हमने देखा ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के लिए डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फेमस है डॉट स्ट्रेटजी। डॉट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो टीबी एक्चुअली क्या देखा गया है कि बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है, और अगर पेशेंट ये डिजीज बीमारी के लिए जो दवाई दी जाती है, अगर वो बीमारी की दवाई सही से नहीं लेते तो क्या होता है, उनको वो बीमारी फिर से होती है और बहुत बुरी तरह से वो उसमें फंस जाते हैं। मतलब आपको आप हमेशा आदत होती है कि आपने दवाई ली और फिर दवाई से आपको आराम हो गया, तो आपने कोर्स पूरा नहीं किया, कोर्स को बीच में छोड़ देते। अगर डॉक्टर बोलते 3 दिन की दवाई लो, या 5 दिन का कोर्स होता है, कभी 7 दिन का कोर्स होता है, तो वो कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। आप बीच में वो कोर्स नहीं छोड़ सकते, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है दवाई जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए दी जाती है, उनका कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये दवाइयां काम कर रही है। और अगर वो दवाइयां बीच में काम करते करते आपको आराम लग रहा, आपने छोड़ दिया, लेकिन बैक्टीरिया अधमरा सा भी हमारी बॉडी में होता है, तो अगर आप उनको बैक्टीरिया को पूरी तरह कंप्लीट नहीं मारा और उसको अधमरा सा छोड़ दिया और दवाई बीच में छोड़ दी, तो आपको तो ठीक तो हो रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया और धीरे धीरे हमारी बॉडी में और ताकतवर होते जाएगा, और वो स्ट्रेंथ लाएगा, और वो हमारी दवाई के से फाइट करने की भी ताकत लाएगा। जैसे हमारी बॉडी को ट्रेनिंग मिलती है एंटीबॉडीज को फाइट करने के लिए बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो तैयार हो जाता है, वैसे वो बैक्टीरिया भी तैयार हो जाता है हमारी दवाई के अगेंस्ट फाइट करने को, तो बाद में वो दवाई भी हमारी काम नहीं आती उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इसको बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट वेरिएंट एक्चुअली तैयार हो जाता है बैक्टीरिया का, और ये बहुत डेंजरस है। तो टीबी के अंदर टीबी डिजीज जो होती है, और टीबी अलग अलग तरह की टीबीज होती है ना, तो ये एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग मतलब के ट्रीटमेंट जो दवाई है, दवाई के रेजिस्टेंस हो जाता है उनको, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यू नो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ऐसे करके एक्सडीआर टीबी बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो सारी दवाइयां बनाई जाती है फार्मेसी के थ्रू, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां बनाती है, रिसर्च करती है, वो दवाई उसके काम नहीं आती, तो इसीलिए हर एक बार आपको अगर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसका कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए टीबी के लिए भी ये डॉट सिस्टम बनाया गया है कि पेशेंट जो इतने एडुकेटेड नहीं है, इतना समझते नहीं है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो दवाई टाइम टू टाइम ले रहे हैं कि नहीं। तो ये टीबी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट एक टीबी वाला पेशेंट है, वो और स्प्रेड करके और लोगों को भी वो इन्फेक्शियस डिजीज है तो स्प्रेड कर सकता है। तो टीबी पेशेंट्स ठीक भी हो और ये बीमारी फैले ना, इसलिए ये सिस्टम लाया गया है डॉट स्ट्रेटजी। फिर तो ये हमने कर लिया टीबी का। नेक्स्ट हम देखेंगे हेपेटाइटिस, सेकेंड। हेपेटाइटिस का कॉमन नेम है जॉन्डिस, पीलिया जिसे बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस एक्चुअली 5 तरह के होते हैं, और ये वायरल है, वायरल डिजीज है, हमने ऑलरेडी टेबल में भी देखा था, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है, और 5 तरह के वायरस है। तो इनको नाम दिया गया है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। तो 5ों में से कोई भी हो सकता है वायरल डिजीज। तो ये हेपेटाइटिस वायरस जो है, ये कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है, तो ये एक्चुअली पानी, एक तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप साफ पानी नहीं यूज कर रहे, साफ पानी नहीं पी रहे, तो उससे ये आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अनसेफ सेक्स, या इवन एड्स के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर नीडल्स, जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स वगैरह भी जो हॉस्पिटल्स में, अगर नीडल से एक इंजेक्शन दिया गया किसी पेशेंट को, तो वही नीडल किसी और को यूज ना किया जाए, उसको डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है। तो हर एक डॉक्टर ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ नीडल्स इज वेरी डेंजरस, सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स। तो हमारी बुक में भी हम देखेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स मेंशनड है फॉर हेपेटाइटिस। ये देखिए सिम्टम्स भी हम देखेंगे, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेथड्स। तो ये हमारा हेपेटाइटिस का टेबल है। सबसे पहले हेपेटाइटिस का नाम, अनदर नेम इज जॉन्डिस। हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के हमने देखे, मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लो, है ना, एक तो कंटेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही आ जा सकता है। तो ब्लड अगर किसी पेशेंट जिसने ब्लड डोनेट किया उसको अगर हेपेटाइटिस है और वो ब्लड किसी और को जाएगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये जा सकती है डिजीज, आपको भी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी ब्लड डोनेशन होता है तो वो ब्लड को टेस्ट किया जाता है कि कोई भी उसमें बीमारी ना हो उनको, पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस वगैरह जो है डोनर उसको कुछ ना हो, ताकि वही ब्लड फिर
है ना, ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। तो ये प्रिकॉशंस हॉस्पिटल्स रखते हैं और ये रखना जरूरी है। तो ये है सिम्टम्स, देखो हम अब सिम्टम्स देख लेंगे, सिम्टम्स एंड देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये देखिए सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है। सबसे पहले सिम्टम्स जो है, एक तो इसको पीलिया जैसे बोलते हैं, तो येलो यूरिन होता है इसमें, और ना सिम्टम्स के ये भी है कि ग्रे स्टूल होता है, जो पट्टी का कलर होता है थोड़ा ग्रेश कलर होता है। फिर इसमें नौशिया होता है, नौशिया मतलब उल्टी जैसा फीलिंग, उल्टी वाली फीलिंग, उसको नौशिया बोलते हैं। वॉमिटिंग, वो नौशिया भी होता है और एक्चुअल वॉमिट भी हो जाती है। जनरल वीकनेस रहती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, जैसे हमने इमेसिएशन देखा था टीबी में, वैसे ही इवन हेपेटाइटिस में भी एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब पेशेंट खाना एपेटाइट उसका चला जाता है और वो बहुत ही पतले हो जाते हैं पेशेंट्स, एनोरेक्सिक। तो ये इसके सिम्टम्स है हेपेटाइटिस के। और इसका ट्रीटमेंट जो है हेपेटाइटिस का, उसमें ऑफकोर्स अगर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटेमिनेटेड होता है उससे होता है, तो हमें हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। साफ पानी, बॉटल्ड वाटर, साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी बॉईल करके, इवन वेजिटेबल्स वगैरह जो कुकिंग के लिए यूज किया जा रहा है उसको क्लीन करके यूज करना जरूरी है। और हमें अपना हाइजीन भी, अपना हाथ धोते रहना है, वो ना प्रिवेंटिव मेथड्स यूज करना जरूरी है। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए सिम्टम्स हमने देखे, ये एनोरेक्सिया बहुत पतले हो जाते हैं, येल्लो यूरिन, ग्रे स्टूल, जनरल वीकनेस, नौशिया एंड वॉमिटिंग। सो ये सिम्टम्स हमने स्टडी किए, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इज ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। तो अगर आप ये इमेजेस देखोगे तो आपको ये सब दिमाग में रहेगा, तो आप इजीली इसके सिम्टम्स याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस, मेन है इसका अगर मैच वगैरह में भी आया कि हेपेटाइटिस इज कॉज ड्यू टू अ वायरस। फिर थर्ड डिजीज है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री क्या होता है, ये डिसेंट्री हमने देखा था टेबल में भी कि ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा की वजह से भी हो सकता है। तो ये शिगेला करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से भी ये डिसेंट्री हो जाता है। तो इन्फेक्शन जो होता है इंटेस्टाइन में ये मेनली होता है, और ये मेन रीजन है इसका, अगर हम गंदा खाना या पानी पी लेते तो ये होता है। जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे क्राउडेड एरिया है वहां पे ज्यादा पाया जाता है डिसेंट्री लोगों को हो जाता है। अमीबायसिस भी होता है, अमीबायसिस ये अमीबा की वजह से होता है, तो दिस इज ऑल्सो डिसेंट्री। तो ये इसको हम डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन दो याद रखने हमें, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ये दो रीजन है जिस वजह से डिसेंट्री हो सकता है। डिसेंट्री मतलब जैसे हम लूज मोशन कहते हैं, तो लूज मोशन होते हैं, लेकिन डिसेंट्री इज नॉट डायरिया। डायरिया होता है वो लूज मोशन को इन जनरल टर्म डायरिया बोलते हैं। डायरिया एक सिम्टम भी हो सकता है डिजीज में, लेकिन डिसेंट्री जो डिजीज है ये डायरिया लूज मोशन है, लेकिन लूज मोशन में हमारे स्टूल्स जो होते हैं वाटरी होते हैं और उनमें ब्लड भी हो सकते हैं। तो ये इसमें पेट दर्द भी होता है और वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो ये डिसेंट्री। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। तो ORS क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ORS इज द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसेंट्री। ये देखिए ORS कैसे बनाया जाता है, 1 लीटर पानी अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर आधा चम्मच सॉल्ट लेना है, 1/2 टीस्पून, और 6 चम्मच शुगर। तो सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, ये जो है इसका मिक्सचर जो कर लेते हैं उससे ORS कहते हैं। तो इसे पेशेंट को पिलाया जाता है ताकि उसका वाटर लेवल बना रहे, डिसेंट्री ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि पेशेंट ज्यादा सफर ना करे। ये देखिए डायरिया और डिसेंट्री में क्या फर्क होता है वो भी दिया गया है। वाटरी स्टूल है, लेकिन यहाँ पे डायरिया मतलब बहुत ही लिक्विड स्टूल आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ब्लड म्यूकस कुछ नहीं होता। लेकिन इधर डिसेंट्री जो होता है उसके अंदर ब्लड इन फीसिस, म्यूकस और वगैरह ये सब फीसिस में, फीसिस मतलब पॉटी में पाए जाते हैं। तो ये है डिसेंट्री जो हमारी बुक में मेंशन है। डिसेंट्री के पैथोजेंस कई सारे, बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, तो ये सारे पैथोजेंस है। मतलब ये वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा किससे भी हो सकता है डिसेंट्री। इन्फेक्शन किस वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर। सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल्स, पेन इन एब्डोमेन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑफकोर्स हमें ORS लेना है और साफ रहना, कंटेमिनेटेड फूड वाटर नहीं लेना, मतलब के ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ये प्रिवेंटिव मेथड्स है। और हो गया तो ट्रीटमेंट में ORS हमें लेना है। फिर फोर्थ डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा में क्या होता है, कॉलेरा इज कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रियो कॉलेरा। तो ये बैक्टीरिया है। कॉलेरा एक्चुअली अगेन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं मेनली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हमें हमें बच के रहना है, ताकि हमें ये डिजीज ना हो। साफ पानी, साफ खाना, अपना पर्सनल हाइजीन, हमारे हाथ साफ रखने चाहिए, बॉडी साफ रखनी चाहिए, ताकि हमें ये इन्फेक्शियस डिजीजेस ना हो। तो ये है,
तो इसमें विब्रियो कॉलेरा इज द बैक्टीरिया, और इसके भी देखियो सिम्टम्स क्या है, हेडेक, वॉमिटिंग, नॉशिया, एब्डोमिनल क्रैम्स और डायरिया। तो ये हमारी बुक में भी मेंशन है, ये देखिए। मोड ऑफ इन्फेक्शन अगेन सेम, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, एंड सिम्टम्स क्या है देखिए, डायरिया, वॉमिटिंग, इसमें हो जाता है क्रैम्स आ जाते हैं पैर में, पेट में ऐसे क्रैम्स आते हैं। तो ये मेन सिम्टम है कॉलेरा का भी। तो ये हमें यहाँ पे भी वही है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या है, हाइजीन रखो, फूड साफ, वाटर, बॉइल्ड वाटर पियो, और वैक्सीन भी होती है कॉलेरा की, वैक्सीन भी हम ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कॉलेरा। फिफ्थ डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड का क्या है, टाइफाइड के सिम्टम्स कैसे है, जैसे हमारे टाइफाइड भी वही है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर से होता है, और इसका मेन जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। सो दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन विच कॉजेज टाइफाइड। तो ये देखिए टाइफाइड का ये भी कहा जाता है, आपको अगर डिजीज समझ नहीं भी है तो यहाँ टंग में व्हाइट कोटिंग जैसे आ जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, सिम्टम है, हालांकि हमारी बुक में ये मेंशन नहीं है, पर ये देखिए इसमें भी मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, एंड सिम्टम्स क्या है ये देखिए, रैश ऑन एब्डोमेन, बुखार बहुत ज्यादा आता है टाइफाइड में, अप टू 104 डिग्री सेल्सियस बुखार हो सकता है, हेडेक होता है एब्डोमेन पे रैश के अलावा, एनोरेक्सिया भी इधर एक सिम्टम है टाइफाइड में भी, एंड डिसेंट्री, हमने किया ना आगे डिजीज, डिसेंट्री, लूज मोशन जैसा, वो भी यहाँ पे टाइफाइड में हो जाता है। तो यही हमारा है, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया, सेल्मोनेला टाइफी, तो कॉलेरा इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया, इवन ट्यूबोक्लोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। पांच डिजीजेस की अब तक हमने हमारे टेबल की, हम एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन भी हमने देखा, इसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट भी वही होगा, क्लीन वाटर रखो, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सफाई रखो, और वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं हम, टाइफाइड कॉलेरा का वैक्सीन भी आता है तो वो लेना है। तो हमारे इस टेबल में पांच डिजीजेस है, टीबी, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड, उसमें से तीन बैक्टीरिया की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, याद रखो, और डिसेंट्री कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो, वायरस ऑल्सो, अमीबा ऑल्सो, है ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये याद रखना है। ये लास्ट के तीन डिजीजेस, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर्स, जो हम ये भी हमने देख लिया, मोड ऑफ इन्फेक्शन ये है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और बीसीजी वैक्सीन है टीबी के लिए, ये याद रखना है, डॉट ट्रीटमेंट है टीबी के लिए, है ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ओआरएस दिया जाता है डिसेंट्री, जब लूज मोशन हो जाते हैं तो ये वाटर विद सॉल्ट एंड शुगर दिया जाता है, ओआरएस कंजम्पशन। तो इतने ये फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेबल से, वो हमें याद रखने। इसके अलावा काफी सारी डिजीजेस और भी है, ये देखिए कंप्लीट द टेबल भी दिया है, मतलब एंटेराइटिस, मलेरिया, प्लेग और एड्स के लिए भी ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें ये टेबल ऐसा बनाना है इसके लिए भी, तो ये सारी डिजीजेस भी हम कवर करेंगे, और भी डिजीजेस लिखे है सर्च ऑन इंटरनेट, लाइक चिकन पॉक्स, पोलियो, तो ये भी हम देखेंगे, ये पूरा हमें चैप्टर करना है, बड़ा चैप्टर है, काफी और भी डिजीजेस है जैसे डेंगू, है ना, स्वाइन फ्लू, एड्स, ये सब कुछ कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा ऐप पे अवेलेबल होगा, तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो वहाँ अवेलेबल होंगे। तो ये ऐप हमें आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ASR's लर्निंग ऐप, एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ये देखिए ये हमारा ऐप है। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।